औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सुफियान और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल MSAVU सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे CS 101 का फाइनल टर्म का सिलेबस फॉर 2021, यानी कि जो अब 2022 में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके हवाले से। और इसके बाद हम देखेंगे हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका मुकम्मल सिलेबस वगैरह क्या है, इसके पेपर पैटर्न क्या होगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपने LMS में। और वीडियो शुरू करने से पहले हमने आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। चलिए चलते हैं, हम वीडियो LMS में आ गए। इधर हम करेंगे ये CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे। तो जैसे ही हम अनाउंसमेंट सेक्शन में जाते हैं तो ये अनाउंसमेंट आई पड़ी है जी, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ फाइनल टर्म। तो पेपर पैटर्न क्या होगा जी, हमारा सबसे पहले आ जाता है, इसमें कोर्स आ जाते हैं वीक 9 टू वीक 12। वीक 9 टू वीक 12 में कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, ये हमारे मॉड्यूल नंबर 109 से लेकर 234 तक हैं, यानी कि 108 तक हमारे मीटर में आए थे, 109 से लेकर 234 तक यानी कि हमारे आएंगे 234 तक फाइनल टर्म में। और ये हमारा मिड टर्म के बाद वाला सिलेबस है। और इसके बाद जो हमारा पेपर पैटर्न है वो है जी हमारा 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का पेपर होगा। और इसमें टोटल 40 यानी कि वो MCQs होंगे और 10 जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो लिखने वाले क्वेश्चन होंगे। तो उसमें जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे और 5 क्वेश्चन ही 5 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये था इसका फाइनल टर्म का सिलेबस। और इसके बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं बताऊँगा जी आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है मुकम्मल, इसके अहम टॉपिक्स जो भी हैं। और वो इंशाल्लाह वो वीडियो देखने के बाद आपको 100% आपका जो CS 101 इंशाल्लाह अच्छे CGPA के साथ क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।